गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास, क्लास सेवेंथ. टुडे वी विल स्टार्ट आवर 18th चैप्टर, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, मीन्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इक्वालिटी मीन्स इक्वल. इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल. ऑन 15 अगस्त 1947, India became an independent country and ended the foreign domination of nearly 200 years. 15 अगस्त 1947 को India एक independent country बना और India ने जो foreign domination थी, foreign power थी, उसको end कर लिया था लगभग 200 years के बाद. There was an urgent need to frame our own constitution. इसी कारण से एक अर्जेंट नीड थी हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने की. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फ्रेमवर्क होता है, ए सिस्टम ऑफ रूल्स. सिस्टम ऑफ रूल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, पावर्स और ड्यूटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वो डिफाइन की जाती हैं टू स्ट्रेंथन आवर न्यूली वोन फ्रीडम. हमारी न्यूली वोन फ्रीडम को स्ट्रेंथ करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए. हैंस अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम फॉर फ्री इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया के लिए फ्रेम किया गया. द प्रियम्बल An introduction to the Indian Constitution. Preamble हमारे Indian Constitution की introduction है. Preamble को हम key भी कहते हैं, key to our Constitution. First page है हमारे Constitution का. इसमें Constitution की important features बताई गई हैं. The Constitution of India came into effect on 26 January 1950. कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 January 1950 को इफेक्ट में आया, मीन्स लागू हुआ. इट गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स. जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी सिटीजन्स की इक्वालिटी की गारंटी देता है. दस एस्टेब्लिशेज ए रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन एवरी स्फेयर. इस तरह से ये गारंटी देता है इक्वालिटी की सभी सिटीजन्स को. दस एस्टेब्लिश रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और इस तरह से ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का रूल एस्टेब्लिश करता है, सेटअप करता है कि स्टेट में रहने वाले किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. All peoples are equal in every sphere. सभी areas में सभी people equal हैं. Our constitution ensures that the state treats all the citizens equally and allows equality of status and opportunity to all. हमारा constitution हमें sure करता है कि state में रहने वाले सभी citizens को equally ट्रीट किया जाएगा एंड अलाउज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. सबको स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी अलाउ की जाएगी सभी एरियाज़ में. मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन. प्रोहिबिट होता है, इज़ नॉट अलाउड. किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर. किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेशंस दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन. कॉन्स्टिट्यूशन रूल रेगुलेशंस का एक सेट है जिसे बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है और उसके ऊपर वो एग्री भी हुए हैं. इट इज़ ऑफन अ रिटन डॉक्यूमेंट. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है. इट लेज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट की पावर्स एंड फंक्शंस को डिफाइन किया गया है. सेंचुरीज ऑफ सब्जुगेशन. सब्जुगेशन होता है कंट्रोल बाय अदर. 100 से ज़्यादा सालों तक दूसरों के द्वारा कंट्रोल किए जाने के कारण कास्टिज्म, पॉवर्टी और इलिटरेसी
होने के कारण जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो कमज़ोर हो गई थी, वीकेंड हो गई थी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले फ्रेमर्स थे वो इस डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना चाहते थे। दैट हैड डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई थी ग्रुप्स में। ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, बाय इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल एस्पेशली ऑफ दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉयटेड। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए जो रिलीजन, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर होता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए कि सभी सेक्शंस को, सोसाइटी के सभी सेक्शंस को अपलिफ्ट किया जा सके, स्पेशली उन लोगों को जिनके साथ सोसाइटी में एक्सप्लोटेशन मीन्स मिसबिहेव होता था। हैंस इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर सेकुलरिज्म, इसी कारण से इंडिया ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया है, वेयर एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, सभी फ्री हैं, अपनी चॉइस से किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एस्टेब्लिश ए सोशल ऑर्डर वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दैट ही शी फॉलो और कास्ट ही शी बिलोंग टू, बट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वट ही शी और वट ही शी हैज़ मेड हिमसेल्फ इनटू। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि किसी भी पर्सन की पहचान उसके रिलीजन के अनुसार ना हो, उसके रिलीजन के बेस पे ना हो, उसकी कास्ट के बेस पे ना हो, बल्कि उसके वर्क के बेस पे हो, वो क्या करता है, वो किस तरह से रहता है, उसने सोसाइटी में अपनी क्या पोजीशन बनाई है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं कि सभी पीपल्स के साथ इक्वली बिहेव किया जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, शेड्यूल क्लासेस कहते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने वर्क किया है, ताकि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया जा सके। हर पर्सन को फ्रीडम दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करे, उनको फॉलो करे, अपने रीति रिवाजों के, कास्ट के अकॉर्डिंग अपने कस्टम्स को फॉलो करें, किसी भी के साथ भी किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो सोसाइटी से कास्टिज़म, पॉवर्टी, इलिटरेसी को दूर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इन सभी जो हमारी कंट्री की, इन सब बुराइयों के कारण ही हमारी कंट्री की जो सोसाइटी है वो वीक हो गई थी। Do you know, on 25th November 1949, Dr. B. R. Ambedkar spoke in Constituent Assembly. 25th November 1947 को Dr. B. R. Ambedkar जी Constituent Assembly में बोले थे, बेटा In India there are caste. इंडिया में बहुत सारी कास्ट हैं, The castes are anti-national. ये कास्ट anti-national हैं, मीन्स ये हमारी जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको क्रिएट नहीं करती, उसके खिलाफ हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, पहली बात तो ये है कि ये सोशल लाइफ में सेपरेशन, मतलब दूसरों को सेपरेट करने का काम करती है, तो कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए। दे आर एंटी नेशनल आल्सो, वो दो कारण से एंटी नेशनल है, फर्स्ट रीजन उन्होंने बताया है कि ये पीपल्स को सेपरेट करती हैं, और दूसरा रीजन ये है दे आर एंटी नेशनल आल्सो बिकॉज दे जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट, वो एक कास्ट से दूसरी कास्ट के लोगों में जेलसी और नापसंदी, डिसलाइक को क्रिएट करती हैं। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, हम सबको इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करना चाहिए, इफ़ वी विश टू बिकम ए नेशन इन रियलिटी, अगर हम वास्तव में एक नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें इन सब बुराइयों को दूर करना चाहिए। इन क्लास सिक्स वी हैव रीड दैट इन डेमोक्रेसी एवरी वन इज़ इक्वल, हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में सभी लोग इक्वल होते हैं,
अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी दी है, जिसका मीन्स होता है राइट टू वोट टू एवरीवन, कि सबको वोट करने का राइट है, हु इज़ अबव 18 ईयर, जिसकी एज 18 ईयर से अबव है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, उसका कलर कम्प्लेक्स कैसा है, रिलीजन कैसा है, वो किस रीजन, रीजन मीन्स होता है एरिया से बिलोंग करता है, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है। वन मैन वन वोट वॉज द मोस्ट कोरेजियस स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, हर पर्सन को एक वोट करने का राइट है, चाहे वो रिच है या पुअर है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, बहुत ही साहसी कदम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का, एज मोस्ट इंडियंस वर इलिटरेट, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस थे वो इलिटरेट थे एंड पुअर एट दैट टाइम, और उस टाइम पे वो गरीब थे। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर फिक्स्ड पीरियड, इंडिया के जो लोग हैं वो वोट देते हैं और अपने लीडर को फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये गवर्नमेंट चलाते हैं अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, पीपल की विश के अकॉर्डिंग। इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट डू सो, अगर जो उनके लीडर हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, पीपल डू नॉट वोट फॉर देम इन नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनको वोट नहीं देते। पीपल आल्सो कीप ए क्लोज वॉच ऑन एक्टिविटीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गार्ड देयर राइट्स एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लोग अपने नेताओं की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं ताकि वो अपने राइट्स, जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उनकी सुरक्षा कर सकें। उनको जो राइट हैं वो किसने प्रोवाइड किए हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव होता है जो लीडर, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वोट देकर, उनकी एक्टिविटीज़ पे क्लोज वॉच मीन्स नज़र रखते हैं, अगर उनकी एक्टिविटी से उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन है बेटा, ये आपने करनी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है राइट टू वोट टू एवरीवन हु इज़ अबव 18 ईयर्स। लुक एट द कार्टून, कार्टून के ऊपर देखो, पॉलिटिशियंस मेक्स प्रोमिसज टू ल्यूर द वोटर्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, ल्यूर होता है बेटा लालच, अपने वोटर्स को लालच देते हैं, दिखा हुआ ना, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, वोटर्स कह रहा है मेरे पास वोट हैं, तो बट द वोटर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ पावर ऑफ हिज वोट, वोटर कॉन्फिडेंट है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसके वोट की पावर है। इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, जो इलेक्शंस हैं वो इक्वालिटी का बेस है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिनकी खुद की पॉलिसीज होती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं। पार्टी कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड विद मैन पावर एंड फाइनेंसिस बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ having a definite program that the general public is familiar with। बहुत सारी जो political parties हैं और उन political parties को कोई ना कोई बड़ी party support करती है, उनको powers देते हैं, मैन पावर देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे programs करवाते हैं ताकि वो जाके उन प्रोग्राम्स में फैमिली लोगों से फैमिलियर हो जाएं, पब्लिक से मिलें। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना अभियान अपने आप चलाते हैं, उनके ऊपर कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए एक बहुत आसान काम नहीं होता। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होता है बेटा, ए पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी। इंडिपेंडेंट पर्सन वो होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, पर वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इलेक्शन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके आगे कैंडिडेट होते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कई बारी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते।
इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन अ सिंगल मेजोरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट सम पॉलिटिकल पार्टीज जो इन हैंड्स टू फॉर्म गवर्नमेंट दिस इज नोन एज कोलिएशन गवर्नमेंट। बेटा डू यू नो, में देखो इंडियन डेमोक्रेसी में जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती, तो उन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हैंड जॉइन करने पड़ते हैं। और इस तरह से जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम द पार्टी ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट्स द मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अलग अलग चुनाव निशान होते हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ द पार्टी और ए पर्सन हुम द कम्बिनेशन ऑफ पार्टी सपोर्ट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, हुम द कम्बिनेशन ऑफ पार्टी सपोर्ट्स, जिसे बहुत सारी पार्टी सपोर्ट करती हैं, जो उसका लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। पार्टी और कम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट फेल्स टू गेट मेजोरिटी, वो पार्टी या कम्बिनेशन ऑफ पार्टी जिन्हें मेजोरिटी नहीं मिलती वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, वो उनके अपोजिट बैठते हैं। इट कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। जो अपोजिशन होती है वो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करती है और पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है। बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्ड। इंडिपेंडेंस से पहले सोसाइटी के कुछ सेक्शंस थे जो इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस को फेस कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देम सो दैट एवरीवन कैन लीव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड इंजॉय इक्वालिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड थे इकोनॉमिकली और सोशली, ताकि वो भी अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट से और इक्वालिटी से इंजॉय कर सकें। डिग्निटी होता है बेटा रिस्पेक्ट। इट हैज़ इंटरेस्टेड द गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी टू ऑल एज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंश्योर होता है बेटा, मेक श्योर। तो ये गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करे ताकि पीपल्स को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल सके। टू ऑल एज द नेसेसरी कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्योंकि ये जो सभी कंडीशंस हैं वो सक्सेसफुल इंडियन डेमोक्रेसी की नेसेसरी कंडीशन हैं। As you know, the preamble grants us the equality of status. Preamble में ही बताया गया है कि सबको opportunity और status की equality दी गई है। Our constitution has also gives us right to equality. हमारे constitution में भी हमें right to equality दिया गया है। Right to equality के कुछ provisions हैं। First है, all citizens are equal before the law. कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी citizen equal हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ प्रोहिबिटेड। जो रिलीजन कास्ट जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है उसे बैन किया गया है। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लाइफ के सभी फील्ड्स में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। कानून है सबको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बट डज एवरीवन एंजॉय इक्वालिटी इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ इवन आफ्टर नियरली 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। लगभग 70 साल हो गए हैं, क्या आज सभी लोग इक्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं हमारी कंट्री में? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। दुर्भाग्यवश हमारा जो जवाब होगा वो है नहीं। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड ऑफ पीपल
बहुत सारे लोग हैं जो इक्वालिटी को इंजॉय नहीं कर सके, हजारों लोग हैं ऐसे जिनको इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता। डू यू नो अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अवॉर्डिंग द टाइटल लाइक राज बहादुर और खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए जो टाइटल्स हैं उनको बैन कर दिया है। जैसे कुछ लोगों को पहले टाइटल दिए जाते थे, उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर और खान बहादुर, उनको बैन कर दिया गया है। थैंक यू बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड केस स्टडीज़ और स्टोरीज ऑफ टू चिल्ड्रंस, शेखू एंड पारू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।